आप यकीनन सोच रहे होंगे जो इतना कूल सा प्रोडक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट इन साइज है, बेसिकली प्रोडक्ट है क्या? सो अस्सलाम वालेकुम, दिस नबील अहमद, यू आर वाचिंग एमएम रिव्यूज। और ये जो प्रोडक्ट है ये सैमसंग फ्री स्टाइल प्रोजेक्टर है एंड लिटरली इट्स वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज एंड सो लाइट इन वेट। आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आप ऑफिस यूज में कर रहे हैं, आप इसे उठा के आराम से कहीं भी इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो किस्सा कर सकते हैं। इस रिव्यू वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर भी है। सो इसके बहुत सारे फीचर हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अभी प्री लॉन्च प्रोडक्ट है, इसकी अभी ऑफिशियली प्राइस आई नहीं है। जैसे आएगी हम वैसे अनाउंस करेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो हमारा ऑफिशियल आउटलेट जो कराची तीन तलवार पे, आप वहां आकर इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट लाहौर पैकेजेस मॉल में है, इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट हैदराबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वेब लिंक, व्हाट्सएप का नंबर दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे डीलर है वहां से भी आप ऑफिशियल वारंटी में, वारंटी वारंटी में प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सो सैमसंग फ्री स्टाइल प्रोजेक्टर रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिव्यू को सबसे पहले हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली सर डेमो यूनिट तो ये जो पार्ट है इसके साथ अटैच नहीं होगा जब ये ऑफिशियली प्रोडक्ट अवेलेबल होगा पाकिस्तान के अंदर। दिखने में इट्स रियली वेरी कूल, लाइक काफ़ी प्रीमियम सा लुक दे रहा है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दे रहा है। इवन इसकी जो प्लास्टिक है ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ लग रहा है। और ये जो आपको होल दिए हुई स्पीकर्स हैं, इसका साउंड जो है वो भी हम एक टेस्ट करेंगे एंड में, इसका साउंड भी मैं लगा के दिखाऊँगा। और अगर आप इसकी बैक पे देखें तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल माउंट करके लगाना है तो आप वॉल माउंट करके भी इसके लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो समय ख़ास बात ये है कि आप इसे 180 डिग्री के ऊपर इसे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फ्रंट पे कर रहे हैं, आप अपने लिहाज से लाइक इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड, आप सीनिंग के ऊपर डिस्प्ले देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसे 90 डिग्री के ऊपर भी आप इसे सेट कर सकते हैं। और इसकी यही ख़ास बात है कि आप इसे 180 डिग्री तक के ऊपर इसे आप एडजस्ट करके मूव कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी ईजी टू एडजस्ट। और इसका जब हम इसे ऑन करेंगे तो दिखाएंगे कि ये कितने आसानी से ये ऑटो फोकस करता है, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। सो डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। और अगर हम इसके लेंस के लाइक फ्रंट पे देखें तो लेंस के साथ इसके ऊपर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम का प्लस माइनस का है, और साथ में इसके मोबाइल का एक स्क्रीन का इमेज दिया हुआ है। इसके रिमोट का भी हम देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा सा स्मार्ट सा कूल सा रिमोट है, लाइक देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है। और छोटा सा रिमोट है, लाइक इजी टू यूज़ है, ब्लूटूथ रिमोट है क्योंकि ब्लूटूथ सपोर्टेड है। और फ्रंट पे इसके होम बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल, जैसे सैमसंग के टीवी के स्मार्ट रिमोट होते हैं ब्लूटूथ, समझे उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन है। अब हम इसके आउटपुट भी देख लेते हैं, इसके यूएसबी टाइप सी का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा मिनी एचडीएमआई पोर्ट दी हुई है और माइक इसके ऊपर दिया हुआ है। अब हम इसे ऑन करके भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट को मैंने ऑन कर दिया है और इसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ में जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले हम इसका मेन्यू देखते हैं। एज यू कैन सी इसका जो मेन्यू है बिल्कुल जो एक टीवी होता है सैमसंग का स्मार्ट उसकी तरह का है। इसके स्मार्ट फीचर के जाने से पहले समय पहले हम इसके मेन्यू में जाके इसकी सेटिंग देखेंगे। और इसने अभी मैंने इस प्रोजेक्टर को कुछ भी सेट नहीं किया, फिर मैंने इसको सिर्फ ला के रखा है और इसने खुद से ऑटो फोकस कर लिया। और बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो फोकस है इसमें ऑटो फोकस इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप मैनुअली भी इसका करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैनुअल अभी जो इसका फोकस है वो थोड़ा सा आउट हो गया है। ठीक है, ये मैंने इसका फोकस ख़राब कर दिया है, अब आप देखें इसका फोकस सही हो गया है। ये मैंने मैनुअल किया है, अगर मैं इसे ऑटो कर दूँगा ये देखें ये खुद से इसने ऑटोमेटिकली इसने फोकस करके दे दिया है। इसको थोड़ा सा अगर आप खुद से एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इट्स सो सिंपल, लाइक विद इन फ्यू सेकेंड मैंने इसका फोकस सेट कर दिया। अब इसका स्केल भी हम देख लेते हैं, ये इसका स्केल है। आप इसको स्क्रीनिंग देखिए, इसने 100% कर दिया, खुद से इसने स्क्रीन को भी एडजस्ट कर दिया। और अगर मैं इसके 95 या इससे कम लेके जाऊँगा तो मैं स्क्रीन को भी मूव कर सकता हूँ। आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एज यू कैन सी दैट। अब इसका हम कीस्टोन भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी काफ़ी टिल्ट हुआ हुआ है
तो आपको इसको चेंज करना हो तो आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये वॉल के लिए आपसे एडजस्ट कर देगा। इसके अलावा आप ख़ुद से भी स्क्रीन को इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ये एज यू कैन सी मैं इसको ये मैनुअली कर रहा हूँ, ये इमेज इसकी तकरीबन इसकी सेट हो गई है। सो कीस्टोन इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आप ईजली इसकी जो स्क्यूड इमेजेस होती हैं आप आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फोकस एज आई टोल्ड यू, इसके अलावा अगर हम स्केल एंड मूव पे आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको फ़िलहाल मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरे कैमरे की स्क्रीन पर आ जाए, दैट इज़ फाइन। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ तो ये देखिए कितनी आराम से ये एडजस्ट हो रहा है, एज यू कैन सी दैट। और इसको आप स्क्रीन साइज़ आराम से इसका मैनेज कर सकते हैं इस तरह। तो ये 30 इंचेस से देखे 100 इंचेस तक के जाता है। इसकी ख़ास बात ये कि इसको जितना डिस्टेंस पर रखेंगे तो स्क्रीन साइज़ बड़ा होगा। 100 इंचेस जो है वो सैमसंग का रिकमेंडेड साइज़ है, वैसे तो उससे बड़ा साइज़ भी आप कर सकते हैं, ये फुल HD है, लेकिन सैमसंग रिकमेंड नहीं करता है। स्क्रीन साइज़ भी इमेज पर दे देता हूँ कि कितना डिस्टेंस पर आप कितनी स्क्रीन का साइज़ इसके ऊपर कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इसकी पिक्चर सेटिंग। इसके अंदर ये शॉट यहाँ पे मेन्यू जैसे टीवी के अंदर आता है, यहाँ से आप पिक्चर इसका सेट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर हम पिक्चर सेटअप के ऊपर जाएंगे तो ये कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर, ये सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं स्पीकर का साउंड इसका सुनाऊंगा, लेकिन इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई साउंड बार है तो आप वो इससे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट कि इसमें ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। अभी मैं इसको पॉजिटिव स्पीकर के ऊपर ही ले जाता हूँ। अब हम आते हैं इसके मेन्यू के मज़ीद जो स्मार्ट फीचर्स हैं। इसके अंदर ऐप स्टोर अवेलेबल है, एज यू कैन सी आप ऐप पे आएँ, आप अपनी मर्ज़ी की जो आपकी ऐप होती हैं जो टीवी पे अवेलेबल होती हैं वो आप इसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो, यूट्यूब किड्स, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। और आप देखें इसकी स्पीड कितना स्मूथ चल रहा है जैसे एक टीवी चलता है। तो ये प्रोजेक्टर है, इवन लाइट ऑन है उसके बाद भी आप इसका रिज़ल्ट इसका देख सकते हैं। इट्स रियली वेरी अमेजिंग। और मैं कुछ YouTube पे प्ले कर लेता हूँ डेमो सो दैट यू कैन हैव आइडिया इसका रिजल्ट किस तरह का है। लेट्स प्ले समथिंग, आई होप कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, बट स्टिल इसके एक साउंड के साथ हम प्ले कर लेते हैं। वाओ, इट इज़ अमेजिंग। चेक दिस आउट, इस साउंड, वाओ, इट इज़ अमेजिंग। अब इसका साउंड चेक करें, ये मैंने फुल साउंड भी नहीं रखा हुआ है। तो मैं पहले ही जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इवन अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की इसमें कमरे में जो रूम है हमारा इसके अंदर लाइट आ रही है, और उसके बाद भी एज यू कैन सी के इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इसमें जो LED लाइट की जो सोर्स इसमें जो इस्तेमाल हुई है, इसके अंदर 550-100 इसके अंदर ल्यूमेंस लेज़र लाइट की सोर्स इस्तेमाल हुई है, और इसी की वजह से जो फिर आपकी जो ब्राइटनेस का लेवल है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो आपको एक डिटेल में दिखता है, एनहेंस दिखता है, तो फिर आप कंटेंट को इन्जॉय कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी भी लाइट रूम के अंदर है, कम्प्लीटली डार्क रूम नहीं है, जो कि आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि रूम डार्क होना चाहिए, या आप जहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं वहाँ पर अंधेरा हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लाइट नहीं है, इसके बाद भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा हो, कितना एनहेंस है, इवन क्लियर नज़र आ रहा है। अब मैं इसके साथ में मज़ीद फीचर भी बता देता हूँ। ये जो आपको इतना अच्छा सा रिज़ल्ट दिख रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको दिख रहे हैं, बेसिकली इसमें 1:1 पीक डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इस्तेमाल हुआ हुआ है, जिसकी बिना के ऊपर आप ये जो जो डार्क सीन में डिटेल देख रहे हैं, इवन लाइट ऑन हुई हुई है, बाहर लाइट आ रही है, उसके बाद भी आपको डिटेल दिख रही है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्ट रेशियो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस, ये ना सिर्फ फुल HD 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, इसके अलावा इसके अंदर जो कलर टेक्नोलॉजी है, फुल कलर टेक्नोलॉजी है, जो हमारे TV टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है 4K TV के अंदर, तभी आपको इससे कलर इन्हेंस दिख रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये HDR कंपैटिबल है, HDR 10 हाइब्रिड लॉक गामा को सपोर्ट करता है, तो HDR कंटेंट आप इस पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं।
सैमसंग फ्री स्टाइल में एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, इसमें स्मार्ट कैलिब्रेशन अवेलेबल है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल आप जो प्रोजेक्ट करते हैं वो वाइट वॉल पे करते हैं, अगर आपके पास वाइट वॉल नहीं है, फॉर एग्जांपल ग्रीन या येलो वॉल है, उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट कैलिब्रेशन है। इसका एक प्रोसेस होता है, जब ये प्रोडक्ट ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगा तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा, जिसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू आपका जो इमेज है वॉल के ऊपर वो कैलिब्रेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीन या येलो वॉल के ऊपर जो इमेज है उसका रिजल्ट वैसे ही इन्हेंस हो जाएगा जैसे आपको वाइट वॉल के ऊपर मिलता है। सो इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ सैमसंग फ्री स्टाइल। अगर आप इसके एम्बियंस मोड देखें, सो अमेजिंग लिटरली। आपने एम्बियंस, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर यूज़ नहीं करे, आपने एम्बियंस मोड लगा के रखा हुआ है, तो एक वॉल के ऊपर तो अच्छा सा एक लुक आ रहा होता है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खिड़की वाला ये एक मॉड लगाया हुआ है, लुक अमेजिंग, लाइक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा होता है कमरे के अंदर। सी, इसके अलावा अगर एक वार्म इन्वायरमेंट आप चाह रहे हैं सर्दियों में, तो दिस इज़ अमेजिंग, ये भी एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करता है। ये एज आई टोल्ड यू द पार्टी मॉड, ये फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग गुड टाइम। ये देखें लाइट इसकी ऑन ऑफ हो रही है, तो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट करता है। ये वाला वन ऑफ माय फेवरेट, ओह माय गॉश, इस लुक्स इस गिविंग मी फीलिंग ऑफ विंटर्स, इट्स नाइस, इट्स अमेजिंग। इसके अलावा इसमें प्रिज्म इफेक्ट्स हैं, इट्स लुकिंग कूल, लाइक आप लगा के छोड़ दें, प्रोजेक्ट ऑन नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट ऑन है, अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एल्बम से भी अपनी मर्जी से पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। सो एम्बियंट मोड इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फीचर ऑफ दिस प्रोजेक्टर, क्योंकि इसमें अपडेटेड एम्बियंट मोड है, आई मीन टीवी से ज़्यादा अपडेटेड है। और लेट्स सी व्हाट्स इन द मीडिया, ये अगर आपने HDMI कनेक्ट करी हुई है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैमसंग गलेक्सी जो मोबाइल हैं आप उन्हें मिरर कर सकते हैं। इसे कनेक्शन की सेटिंग में आए, जहाँ पे इसका डिवाइस प्रोजेक्टर का नाम दिया हुआ है LSP3, इसके अंदर आप वाईफाई कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, गेम मोड ऑन करना हो आप गेम मोड ऑन कर सकते हैं, और इसके अलावा एयरप्ले अगर आपने आईफोन कनेक्ट करना हो तो आप एयरपल एयरप्ले के थ्रू आईफोन कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ, मेरे पास आईफोन है और सिंपली मैंने आईफोन से मिरर करने का ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं आईफोन किस तरह मिरर कर सकते हैं तो वो मैं लिंक साइट पे दे रहा हूँ कार्ड में, वहाँ से आप जाके मिरर कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मिरर योर आईफोन, एज यू कैन सी इज लुक अमेजिंग, आप इजली आईफोन को मिरर कर सकते हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट, ये वॉइस कंट्रोल को सपोर्ट करता है, आप आराम से बिक्सबी के थ्रू वॉइस कंट्रोल भी इसे कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये कंपैटिबल एक होम सिनेमा, जो आप कहीं भी से होम सिनेमा बना सकते हैं, भले आपको प्रेजेंटेशन देनी है बाहर कहीं, या अगर आप कहीं से लेके गए हैं पिकनिक वगैरह में, तो कंपैटिबल बैटरी आप इसके इस्तेमाल करें, जो सैमसंग रिकमेंड करता है वही आई वुड से बैटरी इस्तेमाल करें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी बैटरीज के मॉडल दे देता हूँ जिसमें बैटरी सपोर्ट करता है, वो मैं दे देता हूँ, ताकि अगर आपको बैटरी परचेज करनी हो तो आप वो कर सकते हैं। एसेसरी के अंदर इसके साथ आप लैंप की तरह भी इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा एक कवर आता है, लाइट कवर, जिसके थ्रू आप पार्टी मोड इसका कर सकते हैं, एक डिस्को एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा एसेसरी के अंदर एक वाटरप्रूफ बैग होता है, आप इसे लेके कहीं भी आराम से जा सकते हैं उस बैग में रख के। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी फन, इसको मैं ऑफिस लेके आया हुआ हूँ, मैंने हमने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस दी हैं, जस्ट यू चेक इट एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और इसके ऊपर लाइक मैं इसे घर पे भी लेके गया, मैंने एज अ होम सिनेमा भी इसको इस्तेमाल किया है। तो ये जो मैं ऑफिस लेके आ रहा हूँ, घर लेके जा रहा हूँ, हमारे शोरूम पर ये रखा हुआ है, तो इट्स वेरी पोर्टेबल, आप इसे ईजली कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पार्टी मोड में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, होम सिनेमा कहीं बना सकते हैं, पार्टी पिकनिक हर जगह प्रोफेशनली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने इसके फीचर बताए, जिस तरह से ऑटो लेवल करता है, लेवलिंग जिस तरह से करता है, जिस तरह से फोकस करता है, जिस तरह की स्टोन है, तो ये एक काफ़ी लाइक अच्छा सा एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है कि आप इसे टीवी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप पे आप इसकी इंजॉय कर सकते हैं। सो बस इस जस्ट आपको इसे सेट करना होता है, अगर आप इसने इसके एक दफ़ा आपने इसको एडजस्ट कर लिया तो आप इसके स्क्रूज टाइट कर दें। सो ओवरऑल
दिस प्रोडक्ट इज सो अमेजिंग, आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे यू गोना लव दैट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सैमसंग का जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है काफ़ी यूनिक सा अच्छा सा लगा होगा। और कोई इसके बारे में कोई राय है डू कमेंट, चैनल के हवाले से कोई राय है डू कमेंट, क्योंकि आप ही की वजह से हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई फीडबैक है डू कमेंट एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।